चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास मैथमेटिकल ऑपरेशन की तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक रूल होता है किसका बॉडमोस का रूल होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे बोले तो सिंबल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जिससे डिवाइड आ गया बीच में फिर इन आ गया फिर प्लस आ गया और माइनस आ गया और आपको एग्जामिनर चेंज करके बताएगा कि डिवाइड का मतलब होता है इन इसका मतलब होता है माइनस इसका मतलब होता है डिवाइड और इसका मतलब होता है म, इसका मतलब होता है प्लस ठीक है ऐसे करके आपको सिंबल देगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा ये आपका टॉपिक है तो इस टॉपिक को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए तो सबसे पहले आपको बॉडमॉस का रूल पता होना चाहिए ठीक है क्या पता होना चाहिए बॉर्डमॉस बॉर्डमॉस का रूल सबसे पहले होता है बी बी यानी क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट क्या हो जाएगा ब्रैकेट ठीक है बी यानी क्या हो जाएगा ब्रैकेट हो जाएगा क्या हो जाएगा ब्रैकेट ठीक है उसके बाद ओ यानी क्या हो जाएगा ऑफ ओ यानी क्या हो जाएगा ऑफ ठीक है फिर डी यानी क्या हो जाएगा डिवाइड डी यानी क्या हो जाएगा डिवाइड फिर एम यानी क्या हो जाएगा एम यानी हो जाएगा मल्टीप्लाई और देन ए यानी क्या हो जाएगा एडिशन ए यानी क्या हो जाएगा एडिशन और एस यानी क्या हो जाएगा सबसेक्शन

फिर आपका ये करली ब्रैकेट और फिर बाद में होगा स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा पुस्टक है ना ये सॉल्व करना है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ सॉल्व करना है और ऑफ़ कैसे सॉल्व होगा मल्टीप्लाई करके उसके बाद फिर से क्या सॉल्व होगा डिवाइड फिर उसके बाद फिर क्या होगा मल्टीप्लाई ठीक है तो यहाँ भी ऑफ में भी मल्टीप्लाई होता है बट ऑफ वाला पहले सॉल्व होता है डिवाइड के पहले और मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद सॉल्व होता है ना इस चीज़ का ध्यान रखना उसके बाद एडिशन और रही है इन्हीं का यूज़ करना है अब जैसे एग्जामिनर कैसे देगा आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एग्जाम्पल जैसे बोला कि फिफ्टीन डिवाइड बाय थ्री इंटू टू माइनस फाइव प्लस वन तो ये होगा तो सबसे पहले हमें देखना यहाँ डिवाइड यूज हुआ है मल्टीप्लाई यूज हुआ है और ये माइनस है और क्या हुआ है प्लस तो इन्हीं का यूज हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है डिवाइड तो डिवाइड सॉल्व करना है तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो फिफ्टीन को थ्री से डिवाइड करेंगे इतना चला जाएगा फाइव अब डिवाइड सॉल्व हो गया फाइव इंटू टू माइनस फाइव प्लस वन ठीक है अब क्या सॉल्व करना है हमें डिवाइड के बाद सोल्व करना है हमें मल्टीप्लाई तो हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये टेन टेन माइनस फाइव प्लस वन ठीक है अब एडिशन पहले सॉल्व होगा टेन प्लस वन कितना होगा इलेवन और इलेवन में से कितना माइनस करेंगे फाइव माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर सिक्स आ जाएगा कितना हो जाएगा सिक्स इसका जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा सिक्स ठीक है सिक्स ठीक तो कॉन्सर right तो सभी को क्लियर हुआ किसी को डाउट तो नहीं है कॉन्सेप्ट में सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है किसी को डाउट तो नहीं है कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक है ना ठीक. ठीक है ना चले आगे चलिए आगे चलते हैं चलिए आगे चलते हैं फर्स्ट है, है, क्वेश्चन आगे है फर्स्ट क्वेश्चन आने के बाद हर क्वेश्चन आने के बाद आपको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है उसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो प्लस का मतलब क्या होता है डिवाइड डिवाइड का मतलब क्या होता है माइनस माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस तो सबसे पहले हम इसके साइन चेंज करेंगे ठीक है तो इसके हिसाब से आपको साइन चेंज करना है जैसे दिया है सेवन माइनस का मतलब चेक कर लीजिए तो माइनस का मीन्स क्या है इंटू तो इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ सेवन इंटू टू है ना फिर उसके बाद इंटू का मतलब क्या है तो इंटू का मतलब है इंटू मींस है प्लस तो इंटू का मतलब है प्लस तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस ठीक है उसके बाद कितना गिवन है फोर्टीन है फोर्टीन के बाद डिवाइड साइन है डिवाइड का मतलब क्या है तो डिवाइड का मीन्स है माइनस तो डिवाइड मीन्स है माइनस तो कर देंगे माइनस ठीक है उसके बाद कितना हो गया आपका नाइन्टी सिक्स फिर नाइन्टी सिक्स के बाद क्या है प्लस प्लस का मीन क्या दिया है डिवाइड तो प्लस का मीन हो गया डिवाइड और डिवाइड कितना हो गया ट्वेल्व और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है ठीक है अब हमें बॉर्डोमोस के अकॉर्डिंग बॉड मस फिर फिर तो क्या करेंगे पहले ब्रैक क्या है तो डिवाइड सॉल्व कर लेंगे तो तो आठ बार ठीक ये? ये है अब उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है मल्टीप्लाई क्या सॉल्व करना है मल्टीप्लाई तो ये सेवन इंटू टू कितना फोर्टीन तो फोर्टीन प्लस फोर्टीन माइनस एट ये माइनस एट था ना तो ट्वेंटी एट में से अगर हम एट माइनस करेंगे फोर्टीन प्लस फोर्टीन कितना हो जाएगा ट्वेंटी और ट्वेंटी में से अगर हम ट्वेंटी एट में से अगर हम एट माइनस करेंगे कितना बचेगा ट्वेंटी बचेगा तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा क्या हो जाएगा ट्वेंटी तो बताओ क्लियर हो गया सभी को ट्वेंटी आ गया आंसर और यह क्या सभी का आंसर ट्वेंटी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ट्वेंटी आ गया सभी का आंसर हाँ अनुराग का आ गया है डी ठीक है अनुराग अनुराग का आंसर सही है वेरी गुड अनुराग जितने भी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं सभी लोग को क्वेश्चंस करके आंसर करना है ठीक है तो पहले क्वेश्चन से आपको आइडिया हो ही गया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है? है ना इसी टाइप से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा ट्वेंटी माइनस मतलब माइनस कहाँ दिया है भाई प्लस uh, का होता है प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का मतलब होता है डिवीज़न और माइनस का मतलब होता है एडिशन एडिशन मतलब कि प्लस ठीक है फिर एट फिर इंटू इंटू का मतलब चेक कर लो इंटू का मतलब है डिवीज़न तो यहाँ कर देंगे डिवाइड इज डिवाइड का साइन करेंगे और कितना जाएगा फोर फिर डिवीज़न डिवीज़न का मतलब डिवीज़न स्टैंड फॉर सब्स्रेक्शन सब्सट्रक्शन यानी हो जाएगा माइनस ठीक है कितना जाएगा थ्री देन इसके बाद क्या है प्लस प्लस मीन्स क्या हो जाएगा प्लस मीन्स होगा मल्टीप्लीकेशन तो या नहीं हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू कितना हो जाएगा टू अब इसको सॉल्व करना है इसको क्या करना है सोल्व करना है ठीक है ठीक है कर लेते हैं पहले आपको जो भी आपका दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का इसके जो भी साइन साइन चेंज करने बोला आप साइन चेंज कर लो और उसके बाद फिर सॉल्व करो सबसे पहले बॉडमॉस के अकॉर्डिंग डिवाइड सॉल्व होगा तो जाएगा टू टाइम्स ठीक है और फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा सिक्स और ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी प्लस टू कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू और बीच में साइन किसका यहाँ पर बीच में साइन है माइनस का ट्वेंटी टू माइनस सिक्स कितना बचेगा सिक्सटीन तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा चलो बताओ आगे क्या आंसर सभी का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा ओके okay, क्लियर ठीक है ना कर लेंगे क्वेश्चन चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाँ सी अनुराग का आंसर आ गया सी सिक्सटीन ठीक है वेरी गुड चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से फटाफट फोर्टीन क्यू का मतलब क्यू का मतलब है मल्टीप्लाई तो क्यू के प्लेस पे कर लेंगे मल्टीप्लाई फिर है थ्री थ्री कर लिया फिर थ्री के बाद क्या है पी पी के बाद क्या है पी और पी का मतलब है पी का मतलब है माइनस तो थ्री से करेंगे हम माइनस फिर कितना हो गया ट्वेल्व फिर कितना हो गया एस एस मतलब क्या हो गया है तो एस मतलब हो गया है प्लस एस मतलब क्या हो गया प्लस ठीक है फिर कितना है आपका फोर है फोर ले लिया ठीक है फिर फोर के बाद आर आर का मतलब क्या है भाई आर का मतलब है डिवीज़न तो आर का मतलब हो जाएगा डिवीज़न यानी कर लेंगे डिवाइड ये हो गया डिवीजन ठीक है और कितना हो गया है टू ठीक है टू हो गया अब इसको कर लेते हैं सॉल्व सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा ये हो जाएगा टू यहां पर कितना जाएगा? टू आ जाएगा फोर्टीन इंटू थ्री कितना फोर्टी टू फोर्टी टू माइनस ट्वेल्व प्लस टू तो देखो फोर्टी टू में से ट्वेल्व किया कितना बचेगा थर्टी थर्टी प्लस टू कितना हो जाएगा थर्टी टू तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्या हो तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी है उनका आंसर क्या है राइट right है जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी आया उनका आंसर क्या है राइट right है ठीक ठीक है, चलिए आगे चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर चलिए तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करेंगे प्लस का मतलब है माइनस और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई ठीक है ये है हमारे पास इक्वेशन इसको नोट डाउन कर लीजिए सिक्सटीन इन टू अब मल्टीप्लाई का चेक करो मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड तो यहाँ आ जाएगा डिवीज़न डिवीज़न कितना है टू है ठीक है उसके बाद डिवीजन का मीन्स क्या है तो डिवीजन कहा गया हाँ डिजन का डिवीजन का मीन्स है क्या डिवीज़न का मीन्स है क्या प्लस क्या कर देंगे प्लस फिर क्या है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव नोट डाउन कर लिया फिर क्या है प्लस और प्लस का मीन्स है माइनस तो यहाँ जाएगा माइनस ठीक है सेवन ठीक है उसके बाद माइनस का मीन्स क्या है तो माइनस का मीन्स है मल्टीप्लाई तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई ठीक है मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा कितना आ जाएगा फोर चलो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं ध्यान से ठीक तो देखो ये कितने बार डिवाइड होगा एट टाइम्स डिवाइड हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और ये कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एट तो यहां पर कितना हो जाएगा एट माइनस थ्री एट माइनस थ्री कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा यानी कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीस का राइट right आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐसे क्लियर है ऑप्शन नंबर बीस का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है ना हाँ आंसर तो किसी का नहीं आया है चलिए अब आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर तो हो गया ना क्वेश्चन नंबर फोर हो गया ठीक है फोर हो चुका है क्वेश्चन नंबर फाइव चलिए जल्दी से कीजिए इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर आगे इस क्वेश्चन का आंसर चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सिंबल्स क्या क्या गिवन है तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो इफ ए मी एट द मीन्स एडिशन ठीक है चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री है और एट द रेट मींस क्या है एट द रेट मींस है एडिशन एडिशन मतलब हो जाएगा प्लस देन वन जीरो फाइव और देन क्या है डॉलर अब देखो ये डॉलर है और डॉलर मीन चेक कर लेते हैं डॉलर मीन्स है डिवीजन तो यहां करेंगे हम डिवीजन का साइन और डिवीजन के बाद कितना है फिफ्टीन तो ये ले लिया हमने फिफ्टीन फिफ्टीन के बाद क्या है परसेंटेज अब परसेंटेज का चेक करो परसेंटेज मीनस है मल्टीप्लीकेशन करना है मल्टीप्लाई ओके okay. कितना हो जाएगा ठीक है उसके बाद हैश हैश क्या क्या हो जाएगा? Subsection. Subsection क्या हो जाएगा जाएगा यानी माइनस माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा ट्वेंटी कितना हो जाएगा ट्वेंटी नाइन ठीक है अब देखो ध्यान से आगे अब करना है क्वेश्चन हमें ठीक है, है? सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे इसमें तो डिवीजन सॉल्व करेंगे कितने बाड़ हो जाएगा सेवन टाइम्स फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे तो सेवन इंटू ये जाएगा सिक्स कितना हो जाएगा फोर्टी टू फर्टी टू हो गया और ये कितना आएगा ट्वेंटी थ्री स्टार्टिंग का ये वाला कितना जाएगा ट्वेंटी थ्री और लास्ट का कितना हो जाएगा ट्वेंटी नाइन अगर हम ट्वेंटी थ्री में से ट्वेंटी नाइन को माइनस करें तो यहाँ कितना बचेगा तो यहाँ बचेगा माइनस सिक्स कितना जाएगा माइनस सिक्स आ जाएगा ट्वेंटी थ्री में से ट्वेंटी नाइन माइनस करेंगे कितना जाएगा माइनस सिक्स और फोर्टी टू में से अगर हम माइनस सिक्स माइनस करें तो कितना जाएगा थर्टी सिक्स कितना जाएगा थर्टी सिक्स तो इस क्वेश्चन का, right का right right राइट आंसर okay. क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बोलो क्लियर है सभी को ऑप्शन नंबर सी हाँ अनुराग का आंसर आ गया था बी ठीक है अनुराग ओके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ओके ना चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर चलेंगे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में चले जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट क्वेश्चन नंबर सिक्स आ गया आंसर चलो चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर सिक्स देखना ध्यान से ना? तभी 29, है ना सभी लो ट्वेंटी नाइन रेट का चेक करूं एट रेट मीन्स है एडिशन टू प्लस फिर है ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट ले लिया देन है डॉलर डॉलर का मीन्स है डिवीज़न क्या हो जाएगा डिवीज़न ठीक है कितना हो जाएगा सिक्सटीन किससे डिवाइड कर दिया सिक्सटीन से डिवाइड कर दिया ठीक है उसके बाद क्या है परसेंटेज परसेंटेज uh, mean है मीन्स है मल्टीप्लीकेशन तो सिक्सटीन इन मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा सेवन सेवन हो गया तो उसके बाद क्या हैस है सबसे यानी क्या हो जाएगा माइनस इसको कर देंगे माइनस कितने से ट्वेंटी टू से किससे माइनस कर देंगे ट्वेंटी टू से चलो कर लो भाई ये सिक्सटीन से डिवाइड कर लो इसको सिक्सटीन से जाएगा कितने बार ये आठ बार से जाएगा कितने बार जाएगा एट टाइम्स अब एट और ये सेवन एट इंटू सेवन कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स इधर हो गया और ये कितना हो गया फिफ्टी सिक्स अब देखो ट्वेंटी नाइन और ये माइनस ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन में से अगर माइनस ट्वेंटी टू माइनस करेंगे क्या बचेगा प्लस का सेवन कितना बचेगा प्लस का सेवन तो फिफ्टी सिक्स प्लस सेवन कितना हो जाएगा तो हो जाएगा सिक्सटी थ्री कितना हो जाएगा सिक्सटी थ्री यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी किस किसका आ गया था आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया था ओके okay. अनुराग का आंसर आ गया था वेरी गुड अनुराग ने आंसर कर दिया सिक्सटी थ्री कर दिया वेरी गुड चलो बढ़िया है शानदार ठीक है ना भाई सभी लोग जितने लोग क्लास देख रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे है ना चलिए अब चलते आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट अच्छा ब्रैकेट है ना फिफ्टी ब्रैकेट के अंदर वी वी मीन्स क्या है डिवाइड ये हो गया डिवीजन और फिर कितना है टू और फिर क्या है डब्लू 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 हाँ डब्लू मीन्स हो गया प्लस डब्लू मीन्स हो गया है प्लस ठीक है देन दूसरे ब्रैकेट में क्या है ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट है टी 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 ये रहा टी टी मीन्स क्या है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और कितना है फोर्थ तो सबसे पहले हमें बॉडमोस के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करना है ब्रैकेट फिर ऑफ फिर मल्टीप्लाईन सब्सक्रिप्शन अब देखो ध्यान से ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव फिर प्लस कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा वन वन थर्टी सेवन इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा वन थर्टी सेवन यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुराग का आंसर आ गया है वेरी गुड अनुराग ठीक है चले आगे गए हम लोग चलिए अब आगे चलते हैं वन थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर एट चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सेम क्वेश्चन लग रहा है सिमिलर अभी जो क्वेश्चन किया वही वाला उसी के अकॉर्डिंग ठीक है ये टाइम सेविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको अपना टाइम सेव करना है एग्जाम में जाके है ना इनको तो ध्यान रखना है इस चीज़ का आप लोगों को चलो वो देख लेते हैं फटाफट वाट क्वेश्चन को क्या करना है इस क्वेश्चन में देखते हैं ये रहा 17a तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 17 अब a फाइंड कर लेते हैं a डिनोट्स प्लस तो a करेगा प्लस 10 ब्रैकेट है 31b तो ब्रैकेट के अंदर 31 और b का मींस है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई आ जाएगा उसके बाद क्या है 3 फिर ब्रैकेट क्लोज फिर क्या है c C का मीन्स है माइनस तो C का मीन्स हो गया माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है आपको 64 D और 8 तो 64 हो गया और फिर ये 8 हो गया और D मीन्स होता है डिवाइड तो यहाँ कितना आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा ये हो गया डिवाइड आपका ये हो गया डिवाइड अब आगे चेक कर लेते हैं फिर क्या है A, A, A मीस होता है प्लस हो तो जाएगा प्लस कितना है फोर्टी वन उसके बाद क्या है सी सी मींस होता है माइनस तो माइनस कितना हो गया तुम्हारा माइनस हो गया है माइनस माइनस का साइन है उसके बाद है ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट है ट्वेंटी वन और बी मींस बी बी मींस हो गया मल्टीप्लाई सी हो गया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कितना है फोर है अब इसको सॉल्व करना है पूरे को किसको सॉल्व करना है पूरे को सबसे पहले बॉडमोस के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होगा तो मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पर ये यह सेवनटीन हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा नाइन्टी थ्री ठीक है माइनस ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा एट से डिवाइड होगा कितने टाइम चल जाएगा एट टाइम्स और माइनस एट से हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एट ब्रैकेट से बाहर फिर ये कितना है तो ये है प्लस फोर्टी वन ये कितना है फोर्टी वन है फिर है माइनस फिर ट्वेंटी वन इंटू फोर कितना हो जाएगा एटी फोर ट्वेंटी वन इंटू फोर कितना जाएगा एटी फोर चलिए सॉल्व कर लीजिए आप इसको क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व हाँ देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग ठीक है एडिशन कर लो प्लस माइनस कर लो माइनस करते हुए चलो फर्टी वन नाइन्टी थ्री में से अगर हम एटी फोर को माइनस करें तो कितना जाएगा सिक्स प्लस थ्री सेवन बचेगा ये पूरा कैंसिल हो गया प्लस सेवन बचा प्लस कितना बचा यहाँ पर सेवनटीन और फोर्टी वन में से अगर हम एट माइनस करें कितना माइनस करें एट तो कितना बचेगा थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री आ गया थर्टी थ्री प्लस सेवन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फर्टी फोर्टी प्लस सेवनटीन फोर्टी प्लस सेवनटीन फिफ्टी सेवन आ रहा है कितना आ रहा है फिफ्टी सेवन कहीं गड़बड़ की क्या हम लोगों ने प्लस माइनस में गड़बड़ किया होगा आई थिंक एक सेकेंड रुको ना सेवेंटीन हो गया नाइन्टी थ्री हो गया एट से हो गया एट टाइम्स होगा माइनस हो गया फोर्टी वन हो गया एटी फोर हो गया हाँ ठीक है नाइन्टी थ्री एटी फोर में से नाइन्टी थ्री माइनस किया सिक्स प्लस थ्री सेवन हो गया ठीक है और थर्टी थ्री हो गया थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी सेवन हो गया एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं ठीक है देख लो सेवनटीन ए का मतलब होता है प्लस फिर ब्रैकेट में हो गया थर्टी वन और बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू थ्री फिर सी का मतलब होता है माइनस ठीक है फिर ब्रैकेट में सिक्सटी फोर फिर डी का मतलब होता है डिवाइड फिर एट फिर हो जाएगा ए फिर ए का मतलब होता है प्लस क्या हो जाएगा प्लस कितना है फोर्टी वन और फिर सी का मतलब क्या होता है सी का मतलब होता है माइनस ठीक है माइनस कर दिया और कितना हो गया ट्वेंटी वन इंटू कितना हो जाएगा फोर तो भाई सेवेंटीन हो गया ब्रैकेट पहले सॉल्व करना ये कितना हो जाएगा नाइन्टी थ्री ये कितना हो जाएगा एट माइनस का ये कितना हो जाएगा फोर्टी वन ये कितना हो जाएगा एटी फोर आंसर तो वही आ रहा है वही आ रहा है ना नाइन्टी थ्री से अगर इसको माइनस करें तो सिक्स अच्छा अच्छा हाँ समझ में आ गया नाइन्टी थ्री से अगर इसको हम एटी फोर को माइनस करें तो सेवन नहीं आएगा कितना आएगा सिक्स प्लस थ्री नाइन आ जाएगा ठीक है उसके बाद सेवनटीन तो एज इट इज़ रहा और फिर हम फोर्टी वन में से एट को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री प्लस में आएगा थर्टी थ्री और ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा फिफ्टी फिफ सॉरी सिक्सटी फिफ्टी हो जाएगा कितना हो जाएगा फिफ्टी फिफ्टी हो गया फिफ्टी प्लस नाइन कितना हो जाएगा फिफ्टी नाइन तो इसका राइट right आंसर कितना हो फिफ्टी नाइन ये हमने हम मिस्टेक करी थी नाइनटी थ्री को एटी फोर से माइनस करने पे इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी लास्ट स्टेप में करेक्शन है uh, हो गया करेक्शन ओके फिफ्टी नाइन इसका राइट आंसर होगा अनुराग हो गया क्लियर थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई थी कि नाइन्टी थ्री में से एटी फोर को जो माइनस किया था हमने उसमें चलिए वही क्या होगा क्लियर सभी को चलते अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर अब आ रहे हैं क्वेश्चन जिसमें लगेगा आपको टाइम ठीक है जिसमें आपको क्या लगेगा टाइम लगेगा अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है देखना भाई ध्यान से ठीक अब इन क्वेश्चंस में टाइम लगेगा तो आपको सबको पहले चेंज करना है उसके बाद सॉल्व करना है अभी तक हमारी इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई है कि अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं है ना तो देखो मैं कैसे करता हूँ एग्जाम में उसको मैं बताता हूँ सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे साइन चेंज करना है तो हमें सबसे पहले क्या चेक करता हूँ डिवाइड की माइनस का मतलब होता है डिवाइड अगर यह माइनस हो गया यहाँ डिवाइड का साइन आ गया तो ये डिवाइड हो जाएगा ये भी डिवाइड हो जाएगा ये भी डिवाइड हो, हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा ठीक है डिवाइड का साइन तो सब में सेम है तो यहाँ हो चुका है डिवाइड का साइन यहाँ लिख भी देता हूँ सब में किसका साइन हो गया डिवाइड का साइन हो गया किसका साइन हो गया डिवाइड का ठीक है तो ये हो जाएगा थर्टी फाइव ये भी हो जाएगा थर्टी फाइव यह भी हो जाएगा थर्टी फाइव ये भी हो जाएगा थर्टी फाइव उसके बाद मल्टीप्लाई चेक करना है हाँ डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई तो ये मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मतलब कितना हो जाएगा ट्वेंटी अभी ये इस प्लस का साइन नहीं पता ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ट्वेंटी और ये हो जाएगा ट्वेंटी और ये भी हो जाएगा ट्वेंटी अब प्लस का साइन चेक कर लो प्लस मीन्स क्या हो रहा है आ, प्लस मीन्स हो रहा है माइनस ये रहा प्लस प्लस मीन्स क्या हो रहा है माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ भी हो जाएगा माइनस यहाँ भी हो जाएगा माइनस और यहाँ भी हो जाएगा माइनस अब लास्ट वाला मल्टीप्लाई मीन्स क्या है तो मल्टीप्लाई मीन्स है प्लस मल्टीप्लाई मीन्स क्या है प्लस है तो मल्टीप्लाई मीन्स प्लस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस सिक्स यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस सिक्स यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस सिक्स और यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस सिक्स अब चेक कर लो भाई सब में तो सेम ही हो रहा है ठीक है हम्म सब में सेम ही आ रहा है अरे तो करने की जरूरत ही नहीं इतने एक ही बार लिखना था जो भी हमारा आंसर मैच करता वो हो जाता थर्टी फाइव प्लस सिक्स या फिर थर्टी फाइव में से ट्वेंटी माइनस करेंगे कितना हो जाएगा फिफ्टीन और फिफ्टीन प्लस सिक्स फिफ्टीन प्लस सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन तो यानी कि इसका राइट आंसर जो भी ट्वेंटी वन आंसर देगा वो हमारा राइट आंसर होगा ट्वेंटी वन कौन सा ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन नंबर बी दे रहा है तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम्म ऑप्शन भी अनुराग का आंसर आ गया ओके ओके ठीक है अनुराग का है वेरी गुड अनुराग ठीक है चलिए हो गया सभी को सॉल्व अब चलते आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर टेन चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सबसे पहले मैं चेक करूंगा डिवाइड कहाँ है डिवाइड है क्या इसमें प्लस का मतलब है डिवीजन अब देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू पॉइंट पे नहीं आ रही है अगर कोई भी वैल्यू डिवाइड नहीं होगी तो मतलब उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी जो आंसर है वो पॉइंट में तो है नहीं है अब प्लस में चेक कर लो यहाँ प्लस है इसको ट्वेंटी से ट्वेंटी से डिवाइड करेंगे वन आ जाएगा ठीक है यहाँ प्लस है अब ये अलेवन बाई कितना आ जाएगा ट्वेल्व ये डिवाइड ही नहीं होगा तो ये ऑप्शन ही चेक नहीं करेंगे क्योंकि आंसर पॉइंट में तो है नहीं है और पॉइंट में है नहीं तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए था ठीक है ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको है ना मैं ऐसे एग्जाम में करता हूँ क्वेश्चन अगर करना होता है तो अब उसके बाद देखो ध्यान से अब यहाँ है प्लस फिर से फाइव थर्टी हो गया अब टू से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा फिफ्टी uh, थ्री का डबल फिफ्टी थ्री का डबल वन ज़ीरो सिक्स अपऑन एलेवन फिर से डिवाइड नहीं होगा इसको फिर से चेक नहीं करेंगे हम ठीक है अब यहाँ प्लस नहीं है यहाँ तो प्लस है ही नहीं ठीक है तो दो ही ऑप्शन चेक करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे ठीक है ऑप्शन नंबर सी और बी क्यों नहीं चेक करें समझ में आ गया सभी को रीज़न इसी रीज़न का ध्यान रखना ठीक तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व किया ये कितना हो गया वन हो गया ठीक है उसके बाद अरे यार मैंने गलत कर दिया सॉरी 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 प्लस स्टैंड फॉर सब्सट्रेक्शन डिवाइड फॉर एडिशन एंड माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर डिविजन ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना तो मल्टीप्लाई क्या बताता है डिविजन बताता है तो ये होगा डिवीजन ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये होगा इससे डिवाइड कर लो जाएगा टू टाइम्स फिर जाएगा टू टाइम्स ये तो इससे डिवाइड हो रहा है ठीक है ये भी हो रहा है और ये मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा वन बाई सेवन ये डिवाइड नहीं हो रहा ठीक है और ये ट्वेंटी एट डिवाइड बाई एट ये भी डिवाइड नहीं होगा तो बी और डी अभी हाल फिलहाल तो हम चेक नहीं करेंगे ठीक है पहले हम क्या चेक करेंगे ए और सी तो सबसे पहले हम ए को चेक कर लेते हैं ठीक है तो देखो ए टेन से डिवाइड होगा कितना आ गया टू आ गया ठीक है अब उसके बाद चेक करना है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई डिवीजन का मतलब एडिशन माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन माइनस क्या होगा मल्टीप्लाई होगा बॉर्डर के अकॉर्डिंग मैंने पहले चेक कर लिया डिवाइड चेक कर लिया अब क्या चेक करूंगा मल्टीप्लाई तो माइनस का मीन्स है मल्टीप्लिकेशन ये होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नाइन्टी टू इंटू ट्वेंटी ठीक है उसके बाद प्लस का मीनस है सब्स्रिक्शन सब्स्रिक्शन करना है कितना हो गया इंटू टू क्या करना है इंटू टू अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो बहुत बड़ी आ जाएगी तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है ना मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ी वैल्यू आएगी और उसमें से कितना माइनस करना है आपको सिर्फ माइनस टू करना है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता अब इसको चेक कर लेते हैं ठीक है डिवीज़न का मतलब मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है डिवीज़न सिक्स से डिवाइड कर दिया इसको जाएगा टू टाइम्स और जाएगा टू टाइम्स ठीक है माइनस का मतलब होता है माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन तो यह हो जाएगा ट्वेंटी टू और प्लस का मतलब होता है माइनस प्लस का मतलब प्लस का मतलब होता है माइनस ये लिखा है माइनस ठीक है प्लस का मतलब होता है माइनस तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर अब कर लो भाई ट्वेंटी टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर एटी फोर और फोर एटी फोर में से अगर हम ट्वेंट फोर माइनस करेंगे जीरो हो गया सिक्स हो गया

अगर कोई वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही तो उसको हम पूरा पूरा इक्वेशन उसकी चेक नहीं करेंगे है ना उसके अलावा जो बचेंगे उनको चेक करना है मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है वो ईजी क्वेश्चन होते हैं कब तक जब तक तो चारों ऑप्शन में इक्वेशन नहीं दी है जैसे अभी ऑप्शन जो आ रहा है आपके चारों इक्वेशन इक्वेशन वाले आ रहे हैं तो चारों को अगर आप सॉल्व करोगे आंसर तो आपका आ जाएगा और आप आंसर लेके भी आएंगे बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा आप दूसरे क्वेश्चन का टाइम इस मैथमेटिकल uh, ऑप्शन में कर लेंगे है ना तो आपको हमेशा स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करना है ऑप्शन एलिमिनेट करना है ऑप्शन एलिमिनेट करने का वे क्या है तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का वे है कि सबसे पहले डिवाइड चेक करो और जो भी वैल्यू डिवाइड नहीं होती है तो उसको आपको आगे ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है उसको छोड़ देना है बाकी जो बाकी ऑप्शन बचते हैं उनको चेक करना है ओके ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट सिक्सटी फोर अब यहाँ डायरेक्ट साइन चीज करके बता रहा हूं इजीली कैसे करेंगे सबसे पहले मैं चेक करूंगा डिवाइड को प्लस का मतलब होता है डिवाइड यहां प्लस है तो मतलब यहां होकर डिवाइड और ये होगा डिवाइड होकर कितना टू बचेगा कितना बचेगा टू फिर मैं चेक करूंगा मल्टीप्लाई माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लाई तो माइनस कहा दिया ये दिया माइनस तो माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लाई तो टू इंटू थ्री कितना हो गया सिक्स हो गया कितना हो गया सिक्स ठीक है अब मैं बाकी साइन चेक कर लूँगा डिवाइड का मतलब होता है प्लस यहाँ डिवाइड है तो ये हो जाएगा प्लस और एट और प्लस अच्छा प्लस दो बार है ओके 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 देखो यहाँ दो बार है तो यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा ये कितनी बार कटेगा चार बार कट जाएगा और कितनी बार कटेगा दो बार माइनस का मीन्स होता है मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई तो जा� सिक्स ठीक है और डिवीजन का मतलब होता है प्लस तो ये हो गया प्लस ठीक है और ये कितना हो गया फोर अब यहां मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है तो मल्टीप्लाई स्टेंस फॉर माइनस तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो गया उसके पहले कितना आएगा सिक्सटी फोर तो इसमें से कितना माइनस होगा फोर सिक्सटी आ जाएगा और कितना ऐड करना है सिक्स ऐड करना है तो सिक्सटी प्लस सिक्स कितना हो जाएगा सिक्सटी सिक्स यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है तो शॉर्ट में सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है शॉर्ट में कैसे करना है आपको एग्जाम में आपको एग्जाम में ऐसा ही करना है है ना पूरा पूरा क्वेश्चन लिख लिख के नहीं करना है मैंने पूरा पहले बेसिक बता दिया है कि बेसिक कैसे करना है बट एग्जाम में अगर ऐसा करने बैठोगे तो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना तो आपको पहले डिवाइड को पिक करना है फिर मल्टीप्लाई को पिक करना है फिर एडिशन को और फिर सब्सक्रिप्शन को ठीक है तो ये आप एग्जाम में टाइम सेव कर पाएंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइम सेव करने वाला ही टॉपिक होता है अगर आपकी अप्रोच स्मार्ट रहती है तो क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले मैं डिवाइड चेक करूंगा मल्टीप्लाई का मतलब होता है डिवाइड तो यह है डिवाइड ठीक है और फिर माइनस का मीस होता है मल्टीप्लाई तो यहाँ होगा मल्टीप्लाई फिफ्टीन इंटू थ्री कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है और फिर डिवीज़न का साइन है डिवीज़न मतलब होता है प्लस तो ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा नाइनटीन तो फोर्टी फाइव प्लस नाइन्टीन ऐड करो कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा और फोर प्लस वन फोर प्लस वन फाइव फाइव वन सिक्स सिक्स को डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है किससे एट से, से. किससे डिवाइड करना है एट से ठीक है और फिर किसका साइन है प्लस प्लस मीन्स क्या होता है माइनस प्लस मीन्स क्या होता है माइनस होता है तो, तो डिवाइड ही नहीं होगा एट से गड़बड़ है क्या कहीं चलो साइन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड रुकना है ना पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है क्या सॉल्व करना है ब्रैकेट पहले ब्रैकेट पे ध्यान दो माइनस का मतलब होता है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके और डिवाइड का मतलब होता है प्लस तो यहाँ हो जाएगा प्लस तो फिफ्टीन इंटू थ्री फोर्टी फाइव फोटी फाइव प्लस नाइन तो नाइन प्लस फाइव अच्छा फोर हो जाएगा और फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा हाँ फिर ये इंटू का मतलब होता है डिवाइड ये हो गया डिवाइड और प्लस का मतलब क्या होता है प्लस का मतलब होता है माइनस तो ये प्लस का मतलब हो जाएगा माइनस तो यहाँ आ जाएगा माइनस सिक्स तो इसको डिवाइड करेंगे एट टाइम्स एट माइनस सिक्स कितना हो जाएगा टू तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाँ ऑप्शन नंबर ए सिक्सटी टू सिक्सटी टू नहीं आएगा ऑप्शन नंबर अच्छा हाँ लास्ट क्वेश्चन का आएगा सिक्सटी टू इस क्वेश्चन का आंसर अनुराग का आंसर कितना आया है तो टू आया है वेरी गुड अनुराग सिक्सटी फोर विल बी इंस्टीड ऑफ सिक्स हाँ हो गया हो गया क्लियर कर लिया हमने कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्ड चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा ठीक है यहीं से कर देता हूं मैं सबसे पहले मैं डिवाइड चेक करता हूं प्लस का मीनस है डिवाइड प्लस कहाँ दिख रहा है ये यहाँ होगा डिवाइड इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा एट टाइम चले जाएगा फिर मैं चेक करता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई तो ये हो गया मल्टीप्लाई तो फोर्टी इंटू थ्री कितना हो गया वन ट्वेंटी ठीक है फिर माइनस का मीस होता है माइनस minus... सॉरी उल्टा बोल दिया मल्टीप्लाई का मीस होता है माइनस तो मल्टीप्लाई हो गया या माइनस हो गया एट्टी और क्या बचा है आपका माइनस माइनस का मीस होता है प्लस तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्टी बचेगा फोर्टी प्लस एट कितना हो जाएगा फोर्टी एट यानी कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर हो गया समझ में आ रही है सभी को अप्रोच कैसे सॉल्व करना है कि वहीं के वहीं क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है ठीक है अगर आप ऐसा मैंने स्टार्टिंग में समझाने के लिए आपको नोट डाउन करके लिख के, के समझाया था बट अगर आप मुझसे अप्रोच पूछेंगे कि मैं कैसे करता हूं तो मैं तो यहीं के यही कर लेता हूँ है ना क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता आपको यही टॉपिक जो होते हैं रीजनिंग के जिसमें आप टाइम सेव कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स में आपको टाइम ज्यादा लगता है या दूसरे कोई भी सब्जेक्ट में आपको टाइम ज्यादा लगता है तो इनसे ही आप टाइम सेव कर सकते हैं तो इन चीज का आपको ध्यान रखना है ठीक है ना अप्रोच पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको डिवाइड बॉडमॉस के अकॉर्डिंग तो ऐट द रेट का मतलब होता है डिवाइड तो ऐट द रेट यहाँ टू से टू कट गया कितना बचेगा वन फिर आपको चेक करना है, मल्टीप्लाई हैज़ का मतलब होता है मल्टीप्लाई हैज़ का दिख रहा है ये दिख रहा है, हैस तो एटीन इंटू वन कितना हो जाएगा एटीन हो गया हैज हो गया एटीन इंटू वन कितना हो गया एटीन ठीक है अब डॉलर और परसेंटेज डॉलर डॉलर का मतलब होता है प्लस तो प्लस हो जाएगा एटीन परसेंटेज का मतलब होता है माइनस क्या हो जाएगा माइनस से सेटिंग कैंसिल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लियर है सभी को यस hmm. क्लियर yes. हो गया होगा सभी को चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब लोग हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर चलिए आया क्या आंसर किसी का आंसर नहीं आया अभी तक चलिए कर लेते इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखना ध्यान से आर नहीं डिवाइड चेक करना पी मीन्स डिवाइड पी कहाँ दिख रहा है पी कहाँ दिख रहा है पी तो है नहीं यहाँ पर ओके ठीक है फिर हम मल्टीप्लाई चेक करेंगे क्या चेक करेंगे मल्टीप्लाई क्यू मींस होता है मल्टीप्लाई क्यू मीन्स क्या है मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ भी हो जाएगा मल्टीप्लाई तो ये थ्री इंटू कितना हो गया ट्वेल्व और ये सिक्स इंटू कितना हो गया ट्वेंटी अब बीच में साइन किसका एस का एस मीन्स होता है सबसेक्शन तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन और आर मीन्स होता है एडिशन आर मीन्स क्या होता है एडिशन तो कर लेंगे यहाँ पर एड ठीक है तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है एक्चुअल में ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है ना क्योंकि अगर ये ट्वेल्व हो गया और साइन ट्वेल्व हो गया तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा माइनस ट्वेल्व एट हो जाएगा तो माइनस में की वैल्यू थी आंसर किसी का आ रहा है क्या यस yes, एटीन आ गया एटीन 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 तो लास्ट क्वेश्चन का था ये क्वेश्चन गलत है ना इसको छोड़ देना मैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग चलिए यहाँ से मुझे लग ही रहा था गड़बड़ लग रहा है क्योंकि देखो ये ए अलग से लग रहा है ना यहाँ कोई वैल्यू आनी थी यहाँ पर कोई वैल्यू आनी थी वो वैल्यू आई नहीं है इस चक्कर में ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देख लो इसको कैसे करना है ध्यान से एट द रेट का साइन है किसका साइन है एट द रेट का वन ट्वेंटी सिक्स डॉलर देख लेते हैं आ, हाँ सबसे पहले सॉल्व करना है डिवाइड इसका मतलब एडिशन इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन इसका मतलब डिविजन डॉलर टेल का मतलब होता है डिवीजन तो उसको डिवाइड कर लो ये जाएगा वन टाइम फिर जाएगा एट टाइम्स एट्टीन हो गया अब मैं चेक करूँगा मल्टीप्लीकेशन तो हैज परसेंटेज का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन परसेंटेज एटीन इंटू थ्री हो गया एट द रेट का मतलब होता है एडिशन नाइनटीन और हैज का मतलब होता है सबसेक्शन ट्वेंटी वन ओके कितना फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर में से हम कितना माइनस करेंगे टू माइनस करेंगे फिफ्टी फोर माइनस टू कितना फिफ्टी टू यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्लियर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभी का आंसर ठीक है चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट right आंसर क्या होगा फटाफट चलिए आएगा आंसर किसी का अभी तक आंसर नहीं आया चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखना भाई सभी लोग ठीक है सबसे पहले हमें क्या चेक करना है डिवाइड चेक करना है क्या चेक करना है डिवाइड तो हमें देखना है कौन सा सिंबल डिवाइड का साइन दे रहा है है ना और फिर उसके बाद क्या चेक करना है बॉडमॉस के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई चेक करना है मल्टीप्लाई के बाद एडिशन उसके बाद क्या हो जाएगा सबसेक्शन ठीक है चलिए चेक कर लेते हैं इसको ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को देखो ये फिफ्टीन ए Uh, सबसे पहले मैं डिवाइड चेक करूंगा तो ये तो प्लस हो गया ये इंटू हो गया और ये डिवाइड तो सी मतलब होता है डिवाइड सी का मीन होता है डिवाइड तो सी हो गया ये डिवाइड हो जाएगा ट्वेंटी वन से फोर्टी टू कितना टाइम जाएगा टू टाइम चल जाएगा और कुछ है क्या नहीं है अब उसका चेक करूंगा मैं मल्टीप्लाई डी मतलब होता है मल्टीप्लाई तो डी हो गया यहाँ पर ये हो गया तो टू इंटू ट्वेंटी सेवन ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ठीक है कितना हो जाएगा ये फिफ्टी फोर तो यहाँ तक का पूरा सॉल्व हो गया कितना हो गया फिफ्टी फोर अब ये बी b मतलब होता है b रिप्लेस करता है माइनस को तो इसके सामने आ जाएगा माइनस ट्वेंटी टू और a मतलब होता है प्लस a मतलब होता है प्लस और इसके पहले कितना फिफ्टीन ठीक तो माइनस में वैल्यू आ रही है ठीक है भाई तो इसको ऐड कर लो कितना हो जाएगा सेवन और कितना जाएगा थर्टी सेवन थर्टी सेवन माइनस करना है फिफ्टी फोर में से तो कितना हो जाएगा थर्टीन थर्टीन फोर सेवनटीन तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा माइनस सेवनटीन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा